हीट वेव की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। भीषण गर्मी के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। जिला अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लगी हैं। जिला अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट की माने तो गर्मी की वजह से 15% मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जब से गर्मी की शुरुआत हुई है पिछले 10-15 दिन से, ये देखने में पाया गया है कि मरीजों की संख्या बढ़ी है और 10-15% मरीज बढ़ गए हैं। और मरीज जो ज़्यादा सन एक्सपोजर होकर आ रहे हैं धूप में ज़्यादा, जैसे लेबर क्लास है, फैक्ट्री वर्कर है जो काम कर रहा है, तो वो ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। या अकेले स्कूटर चला रहा है बहुत देर तक, बाइक पे है, वर्किंग उसकी धूप में ज़्यादा है, तो वो मरीज ज़्यादा आ रहे हैं गर्मी की वजह से। उनको अस्पताल में जब आते हैं तो यहाँ पे हम जो है तुरंत उनको ठंडी हवा और एसी में और जो लिक्विड वगैरह देते हैं, नॉर्मल सलाइन ठंडा जो है उसको हम चढ़ाते हैं, तो मरीजों को ज़्यादातर आराम हो जा रहा है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई या कि बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ हो। हाँ, घंटे दो घंटे में सब मरीजों को आराम मिल जाता है। गर्मी ने सभी की हालत खराब की हुई है, पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है। ऐसे में गाजियाबाद के जिला एमएमजी हॉस्पिटल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर कतार लगी हुई है और ज्यादातर मरीज जो गर्मी पड़ रही है उसके साइड इफेक्ट मरीजों पर देखने को मिल रहे हैं। लूज मोशन, डायरिया, तमाम तरह की जो बीमारियां गर्मी की वजह से होती हैं उसके मरीज यहां देखने को मिल रहे हैं। जो सीनियर डॉक्टर हैं उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना है कि जो भीषण गर्मी पड़ रही है और टेम्परेचर जो लगातार बढ़ रहा है उसकी वजह से तकरीबन 15% जो ओपीडी के मरीज हैं उनमें इजाफा हुआ है। और ये वो मरीज हैं जो बाहर अक्सर गर्मी में रहते हैं और गर्मी की चपेट में आने की वजह से ये बीमार पड़ रहे हैं। लंबी कतार लगी हुई है, आप देख सकते हैं जो फिजिशियन हैं डॉक्टर अंदर जो बैठे हैं वो मरीजों को देख रहे हैं। जहां तक भी आप देखेंगे दोनों तरफ जो डॉक्टर बैठे हुए हैं सभी पर लंबी लंबी कतार यहां लगी है। लोग अपने आप को दिखाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं और